नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। इन दिनों भारत एक सोच में हम अयोध्या अध्याय का पन्ना पलट रहे हैं। 22 जनवरी से अयोध्या का नया अध्याय शुरू होगा। आज की अयोध्या आधुनिकता और रोशनी से जगमग कर रही है। अगर आप 10 साल पहले कभी भी अयोध्या गए होंगे, वहां के रेलवे स्टेशन पर उतरे होंगे, वहां की गलियों से गुजरे होंगे, तो आपको कल की अयोध्या और आज की अयोध्या में फर्क नजर आएगा। नई हवा, नए बदलाव ने श्री राम की नगरी को सही मायनों में तीर्थों का तीर्थ बना दिया है, जहां न सिर्फ देश बल्कि दुनिया के हर हिस्से से श्रद्धालु और पर्यटक पहुंचेंगे, भारतीय परंपरा और अध्यात्म का नया साक्षात्कार करेंगे। रोजाना करीब 2 लाख लोगों के अयोध्या पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में न्योता और जाने न जाने को लेकर बहुत ही सियासी सुर सुनाई दे रहे हैं। लेकिन जरा सोचिए, 1980 के दशक में राम के नाम पर राजनीतिक तवा गर्म करने की राजनीति ने कैसे आकार लिया होगा। अयोध्या अध्याय कल, आज और कल के पिछले एपिसोड में मैं आपको बता चुकी हूँ कि आजादी के बाद से ही श्री राम के नाम पर राजनीतिक जमीन किस तरह से तैयार होने लगी थी। आज बात करेंगे कि कैसे कंप्यूटर की बात करते करते राजीव गांधी हिंदू मुस्लिम राजनीति में उलझ गए। विवादित स्थल पर ताला खुलने की स्क्रिप्ट कैसे तैयार हुई। देश के भीतर की चुनावी राजनीति किस तरह अयोध्या की परिक्रमा करने लगी। राजनीति और समाज गणित के फॉर्मूले से नहीं चलता है। दोनों समय समय पर होने वाली हलचलों से पैदा होने वाली प्रतिक्रिया से आगे बढ़ते हैं। 1980 के दशक में प्रचंड बहुमत से लैस राजीव गांधी नए भारत की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे थे। बीजेपी भी अपने लिए किसी ऐसे मुद्दे की तलाश में थी जिस पर कांग्रेस की राजीव सरकार को घेरा जा सके। उसी दौर में शाहबानों के तलाक का मुद्दा ऐसा गरमाया कि देश को 21वीं सदी का सपना दिखाते दिखाते राजीव गांधी भी हिंदू मुस्लिम राजनीति में उलझ गए। हिंदूवादी संगठनों को भी अयोध्या मुद्दे को नए सिरे से गर्म करने का बड़ा मौका मिल गया। हालात ऐसे बने कि अदालत के जरिए अयोध्या में विवादित स्थल का ताला खुलने का रास्ता साफ हो गया। राजीव गांधी के दौर में अयोध्या में राम मंदिर को लेकर आंदोलन फिर से जोर पकड़ने लगा। हिंदुत्ववादी संगठनों के नेताओं के बीच मीटिंग पर मीटिंग होने लगी। इसमें से एक विश्व हिंदू परिषद भी थी। अक्टूबर 1984 में बजरंग दल की भी स्थापना हो चुकी थी। साधु संतों की टोली अयोध्या में सुबह सुबह सरयू में डुबकी लगाती और जन्मभूमि पर घंटों बात करती। इस बीच शाहबानो मामले में जिस रास्ते राजीव गांधी की सरकार आगे बढ़ी, उसमें हिंदुत्ववादी संगठनों को बड़ा मौका मिल गया। 85 में शाहबानो का केस हुआ था। शाहबानो के केस को लेकर के पूरा देश हिंदू मुसलमान के आधार पर बढ़ता दिखाई दे रहा था। केंद्र सरकार चाहती थी शाहबानो के केस को एक तरफ किनारे करना। शाहबानो के केस में आज हमारे बीच में हैं राज्यपाल हैं श्री आरिफ मोहम्मद खान केरल के। वो उस समय राजीव गांधी के मंत्रिमंडल में मंत्री थे और उन्होंने ही इस केस को लोकसभा में सामने रखा था, वो मंत्री थे। लेकिन उनके इस केस को रखने के बाद अचानक ये लगा राजीव गांधी जी को कि इससे हमारा नुकसान होगा। तो उस समय के प्रसिद्ध पत्रकार उनके दोस्त थे जिनका नाम श्री एमजे अकबर था। एमजे अकबर ने शायद राजीव जी को ये सलाह दी कि वो एक कानून लाएं जिससे सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पलटा जा सके, उल्टा किया जा सके, और यही हुआ। देश के राजनीतिक फिजाओं में कम्युनल सेकुलर के सुर तेज होने लगे थे। साल 1985 में विश्व हिंदू परिषद ने उड़ुपी में धर्म संसद का आयोजन किया,
जिसमें ऐलान किया गया कि 8 मार्च 1986 तक रामलला के मंदिर का ताला नहीं खोला गया तो 9 मार्च 1986 से ताला खोल आंदोलन ताला तोड़ आंदोलन में बदल जाएगा। ऐसे में केंद्र में बैठी राजीव सरकार की बेचैनियां बढ़ गई। 84 में जो ये आंदोलन शुरू हुआ विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस की पहल पे, लेकिन उससे पहले ही वहाँ कांग्रेस सरकार करीब 42 एकड़ ज़मीन विवादित जो स्थल है मस्जिद उसके करीब में अधिग्रहित कर चुकी थी रामकथा पार्क के लिए। वहाँ राम की पैड़ी का निर्माण हुआ था, वहाँ ज्ञानी जैल सिंह जो राष्ट्रपति थे वो गए थे। तो कांग्रेस इस कोशिश में लगी थी कि बिना मस्जिद को नुकसान पहुँचाए वहाँ कुछ भगवान राम के नाम पर बड़ा स्मारक बनाया जाए बगल में। अयोध्या को करीब से कवर करने वाले वरिष्ठ पत्रकार हेमंत शर्मा ने अपनी किताब युद्ध में अयोध्या के 264वें पेज पर राजीव गांधी और अरुण नेहरू के बीच बातचीत का जिक्र किया है। अरुण नेहरू ने राजीव गांधी से कहा, विश्व हिंदू परिषद अयोध्या में राम जन्मभूमि का ताला खुलवाने के लिए देश भर में रथ यात्राएं निकाल रही हैं। उसने ऐलान किया है कि फला तारीख तक ताला नहीं खुला तो ताला खोल आंदोलन को ताला तोड़ आंदोलन में बदल दिया जाएगा। तो राजीव गांधी ने पूछा, तो क्या ताला खुल सकता है? अरुण नेहरू ने कहा, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखलाई पड़ती, क्योंकि ताले का मूल मुकदमे से कोई ताल्लुक नहीं है, उसे प्रशासनिक कारणों से लगाया गया है। जिला अधिकारी ने अदालत से कहा, प्रशासनिक लिहाज से ताला बंद रहना चाहिए तो बंद हो गया। अब अगर जिला अधिकारी कहेगा कि ताले की जरूरत नहीं है तो ताला खुल जाएगा। हेमंत शर्मा की किताब युद्ध में अयोध्या के मुताबिक राजीव गांधी ने अरुण नेहरू के प्लान को हरी झंडी दिखा दी। ये तो हुआ हेमंत शर्मा का दावा। वहीं मौजूद रिकॉर्ड के मुताबिक फैजाबाद कोर्ट में उमेश चंद्र पांडे नाम के वकील ने याचिका दाखिल की विवादित स्थल पर लगा ताला खुलवाने के लिए। इस मुकदमे की सुनवाई कर रहे थे जिला जज कृष्ण मोहन पांडे, तब फैजाबाद के डीएम थे इंदु कुमार पांडे और एसएसपी कर्मवीर सिंह। सुनवाई के दौरान जज के एम पांडे फैजाबाद के डीएम और एसपी से उन्होंने पूछा, क्या याचिकाकर्ता की अपील पर ताला खोलने में कोई परेशानी है? क्या कानून व्यवस्था को लेकर कोई दिक्कत हो सकती है? जवाब में डीएम इंदु कुमार पांडे ने कहा, मुस्लिम समुदाय के सदस्यों को विवादग्रस्त स्थल पर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है, उन्हें वहां जाने की भी इजाजत नहीं है। ताले खुल जाने से कानून और व्यवस्था की कोई समस्या खड़ी होने की संभावना नहीं है, ये परिसर का अंदरूनी मामला है। तो फैजाबाद के एसएसपी कर्मवीर सिंह ने अदालत को भरोसा दिया, ताला लगाया जाए या नहीं, हर स्थिति में शांति व्यवस्था कायम रखी जा सकती है। कुछ साल पहले उमेश चंद्र पांडे ने न्यूज 24 से बातचीत में बताया था कि किस तरह से फैजाबाद की जिला अदालत ने विवादित स्थल के भीतर वर्षों से लगा ताला खोलने का आदेश दिया। 31 तारीख को उन्होंने इस पर सुनवाई की। जो लोगों का ये कहना है कि साहब हड़बड़ी में और तुरंत ही ताला खोल दिया गया, ऐसा नहीं है। 31 जनवरी को इस पर पूरे दिन ये बहस हुई कि साहब ये अर्जेंट है कि नहीं है, और जब जिला जज महोदय ने ये पाया कि नहीं ये मामला अर्जेंट है, तब उन्होंने 1 फरवरी के लिए जिला अधिकारी और एसएसपी को मौजूद रहने को कहा। इसके बाद जज कृष्ण मोहन पांडे ने अपने फैसले में लिखा, प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि वो तुरंत ओ तथा पी द्वारों को खोल दें। वो आवेदक तथा समस्त समुदाय के सदस्यों द्वारा दर्शन व पूजा में कोई प्रतिबंध ना लगाएं या बाधा ना खड़ी करें। फैजाबाद कोर्ट के इस फैसले के आधे घंटे के भीतर ही विवादित स्थल पर पिछले 3 दशकों से लगा ताला खुल गया। अदालत ने डीएम और एसपी को तलब करके पूछा कि भाई अगर ताला नहीं रहता है तो आप सुरक्षा कर लेंगे? तो उन लोगों ने कहा कि हम सुरक्षा कर लेंगे, अगर ताला नहीं भी है तो भी हमको उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो विवादित राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद स्थल है जिसके अंदर मूर्तियां रखी थी, पूजा होती थी, हम सुरक्षा कर लेंगे।
उसके बाद कोर्ट ने, फैजाबाद की जो कोर्ट है, उसने ताला खोलने का आदेश दे दिया। फिर अनुमान ये लगाया जाने लगा कि साहब ये सरकार की इसमें कोई पहल थी, सरकार पीछे से चाहती थी, पर्दे के पीछे से, कि ताला खुल जाए, और वकील साहब ने एप्लीकेशन उसी किसी योजना के तहत डाली। अब चूंकि ताला खुलते ही दूरदर्शन की टीम वहाँ पहुँच गई थी और उसका पूरा कवरेज हुआ। ताला अदालत के आदेश से ही खुला। 31 जनवरी को एक वकील ने एप्लीकेशन दी और कहा कि ये ताला खोल देना चाहिए, और जज के पांडे ने आदेश दिया कि ये ताला खोल दिया जाए, और 20 मिनट के भीतर वो ताला खोल दिया गया। खोला नहीं गया, तोड़ दिया गया। उसी समय वहाँ पर कैमरा कैसे पहुँच गया दूरदर्शन का, क्योंकि उसने सारी चीज़ रिकॉर्ड की, एक ही चैनल था उस समय, उसने दिखाई, तो ये बताता है कि ये इसमें कहीं ना कहीं राजीव गांधी की सरकार के अधिकारियों का या उनके मंत्रियों का इसमें कहीं ना कहीं हाथ था। बिना राजीव गांधी की सहमति के, बिना कांग्रेस सरकार की सहमति से एकदम तुरंत फुरत फौरन से ताला खुलना अदालत का आदेश के बाद ये संभव नहीं था। तो इसलिए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर ताला खुला और उसके बाद जो भी प्रक्रियाएं हुई वो राजीव गांधी की सहमति से थी, उनकी मुख्य सहमति उसमें थी, और इसके बाद क्रमशः विश्व हिंदू परिषद ने विषय को पकड़ लिया और एक आंदोलन उनका बृहद स्वरूप लेता गया, जो बाद में एक राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के नाम से उभरा। राम मंदिर आंदोलन में बड़ा चेहरा रहे विनय कटियार का कहना है कि ताला राजीव गांधी की वजह से नहीं, हिंदुत्व के दखल की वजह से खुला। ताला तो जब खुला तो राजीव गांधी के कारण नहीं खुला, हिंदुत्व के दबाव के कारण खुला, अदालत के आदेश से खुला है। राजीव गांधी का इसमें कोई योगदान नहीं था, हम लोगों का योगदान था, अदालत से खुलवाया ताला। देश की चुनावी राजनीति के केंद्र में धीरे धीरे अयोध्या आने लगी थी। धीरे धीरे 1989 में लोकसभा चुनाव का समय भी आ गया। राजीव गांधी ने अपने चुनाव अभियान की शुरुआत अयोध्या से की और राम राज्य लाने का वादा किया। अदालत के आदेश पर अयोध्या में विवादित स्थल का ताला जब खुला था, तब देश के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार थी और मुख्यमंत्री थे वीर बहादुर सिंह। कहा जाता है कि वीर बहादुर सिंह एक ऐसे मुख्यमंत्री थे जिनका एक पैर लखनऊ और दूसरा दिल्ली में रहता था। जिस तरह से अयोध्या मैटर हैंडल किया गया था, उससे राजीव गांधी को ऐसा लगा होगा कि बदली फिजा में बीजेपी की हिंदुओं में बढ़ती पैठ कम होगी। संभवतः इसलिए राजीव गांधी ने 1989 में अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत अयोध्या से की। लेकिन अयोध्या में मंदिर का भूमि पूजन कराने और राम राज्य का वादा करने के बाद भी राजीव गांधी चुनाव नहीं जीत सके। बोफोर्स को बड़ा मुद्दा बनाकर विपक्ष ने कांग्रेस को हरा दिया। प्रधानमंत्री बने वीपी सिंह। उनकी सरकार गठबंधन के पायों पर खड़ी थी, सरकार के भीतर से ही उन पर बहुत दबाव था। ऐसे में उन्होंने अपने विरोधियों पर बढ़त बनाने के लिए मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करने का फैसला किया, जिससे अगड़े पिछड़े के नाम पर सियासी फील्डिंग बिछाने का काम शुरू हो गया। आरक्षण की गर्म हवा में बीजेपी को अपनी वोट बैंक की जमीन खिसकती दिखाई दी। बीजेपी नेताओं ने अपने राजनीतिक गुब्बारे में धर्म की हवा भरनी शुरू कर दी। मंडल की काट के तौर पर लाल कृष्ण आडवाणी सोमनाथ से अयोध्या तक के लिए राम रथ पर सवार हो गए। सोमनाथ 25 सितंबर 1990। 25 सितंबर 1990 को आडवाणी सोमनाथ मंदिर में पूजा पाठ कर राम रथ पर सवार हुए। एक टोयोटा मिनी बस को रथ का रूप दिया गया।
करीब 10,000 किलोमीटर का रूट तय था। बीजेपी के छोटे बड़े नेताओं को क्षेत्रवार जिम्मेदारियां सौंपी गईं। बजरंग दल को रथ यात्रा में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जुटाने की जिम्मेदारी दी गई। उस दौर की राजनीति को करीब से देखने वाले वरिष्ठ पत्रकार संतोष भारतीय का कहना है कि शुरुआती दौर में अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी दोनों ही रथ यात्रा के खिलाफ थे। आडवाणी जी की सोमनाथ से जो यात्रा शुरू हुई, वो यात्रा आडवाणी जी की इच्छा की यात्रा नहीं थी। आडवाणी जी को बिल्कुल भरोसा नहीं था कि ये यात्रा सफल हो पाएगी, और अटल बिहारी वाजपेयी जी इसके बिल्कुल खिलाफ थे, बिल्कुल ही खिलाफ थे। आडवाणी जी खुद खिलाफ थे, लेकिन उस समय अटल जी के मंत्रिमंडल के बहुत नज़दीकी साथी रहे, उनके बाद में उनके बहुत ही नज़दीक विश्वासपात्र साथी रहे, उन्होंने आकर के आडवाणी जी को समझाया कि आप यात्रा कीजिए। आडवाणी जी पदयात्रा करना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि पदयात्रा मत कीजिए, आप रथ यात्रा कीजिए, जीप यात्रा कीजिए। जब आडवाणी जी ने कहा मैं जीप से चलूँगा तो ज़्यादा मैं लोगों को कम्युनिकेट कर पाऊँगा, प्रमोद महाजन ने कहा, जिनका मैं नाम बार बार कह रहा हूँ, जो बहुत महत्वपूर्ण आदमी थे, उन्होंने आडवाणी जी से कहा कि आप जीप यात्रा मत कीजिए, आप रथ यात्रा कीजिए, हम एक मिनी बस को लेकर के एक रथ बनाएंगे। और उस यात्रा को प्रमोद महाजन ने ही पूरी तरह से संगठित किया। सोमनाथ से जब लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा ने रफ्तार पकड़ी तो इसके प्रभाव ने सबको दंग कर दिया। राम धुन में आरक्षण और मंडल की आवाज दबने लगी। अपने भाषणों में आडवाणी मंडल को हिंदुओं को आपस में बांटने वाला करार देने लगे। एक ओर वो जनता दल पर भी हमला बोलते और कांग्रेस पर भी। बीजेपी नए राजनीतिक विकल्प के तौर पर मजबूत होने लगी। लोग कहते हैं कि आप अदालत का फैसला क्यों नहीं मानते? अदालत क्या इस बात का फैसला करेगी कि यहां पर राम का जन्म हुआ था कि नहीं हुआ था? आपसे तो इतनी आशा है, बीच में मत पड़ो, रास्ते में मत आओ, क्योंकि ये जो रथ है, लोक रथ है, जनता का रथ है, जो सोमनाथ से चला है और जिसने मन में संकल्प किया हुआ है कि 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, उसको कौन रोकेगा? कौन सी सरकार रोकने वाली है? आडवाणी का रथ तेजी से आगे बढ़ता जा रहा था। कई जगहों पर सांप्रदायिक हिंसा भी हुई, लेकिन बीजेपी ने सांप्रदायिक हिंसा की खबरों को नकार दिया या कोई अहमियत ही नहीं दी। प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे वीपी सिंह खतरे को महसूस तो कर रहे थे, पर कुछ खास कर नहीं पा रहे थे। आडवाणी को भरोसा था कि वीपी सिंह उन्हें गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं करेंगे, क्योंकि वीपी सिंह सरकार बीजेपी के दम पर चल रही थी। आडवाणी सीधे अयोध्या की ओर देख रहे थे। बिहार होते हुए आडवाणी की रथ यात्रा यूपी की सीमा में घुसने वाली थी। पूरे देश में राम लहर चल रही थी। ये जो अंधभक्ति है हिंदुस्तान के नागरिक की, उसके कारण एक चमत्कारी समर्थन इस रथ यात्रा को मिला है, और यह जो चमत्कार है वो राम के नाम। आडवाणी की रथ यात्रा पटना होते हुए समस्तीपुर पहुंच चुकी थी। वहां से आडवाणी देवरिया यानी यूपी की सीमा में दाखिल होने वाले थे। तब बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर थे लालू प्रसाद यादव। 23 अक्टूबर 1990, समस्तीपुर, बिहार। लालू प्रसाद यादव के आदेश पर बिहार पुलिस ने समस्तीपुर सर्किट हाउस में आराम कर रहे आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया। इधर आडवाणी के रथ का पहिया रुका, उधर बीजेपी ने वीपी सिंह सरकार से समर्थन वापस लिया। वीपी सिंह की सरकार गिर गई। आडवाणी की रथ यात्रा से बीजेपी के लिए मजबूत राजनीतिक जमीन तैयार हो चुकी थी। भारत की राजनीति सेक्युलर और कम्युनल खांचों में बच चुकी थी। बीजेपी के नेता भी आडवाणी की रथ यात्रा को मिल रहे अपार समर्थन देख दंग थे। कई जगह ऐसी तस्वीरें भी दिख जाती थी जहां घंटों लोग हाथों में पूजा की थाल सजाए दीप जलाकर सड़क किनारे राम रथ का इंतजार कर रहे होते थे। ऐसे लोग भी आसानी से दिख जाते थे जो आडवाणी के राम रथ गुजरने के बाद
वहां की मिट्टी को अपने माथे से लगाते थे। अयोध्या में मंदिर के नाम पर ईंट जमा करने का काम भी धड़ल्ले से हो रहा था। लेकिन बिहार के समस्तीपुर में लाल कृष्ण आडवाणी की गिरफ्तारी के बाद कार सेवक सड़कों पर आ गए। अयोध्या में पुलिस का जमावड़ा बढ़ गया। यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने आज के अयोध्या और तब के फैजाबाद जिले में कार सेवकों की एंट्री पर रोक लगा दी। श्रद्धालुओं को अयोध्या में होने वाली कोसी परिक्रमा से दूर रहने की सलाह दी गई, जो अयोध्या के चारों ओर की जाने वाली 45 किलोमीटर की यात्रा होती थी। अयोध्या 30 अक्टूबर 1990। अयोध्या में सुबह से ही कार सेवकों की धरपकड़ का काम पुलिस ने शुरू कर दिया। पुलिस की हिदायत और सुरक्षा चक्र को तोड़ते हुए हजारों कार सेवक हनुमान गढ़ी पहुंच गए। विवादित ढांचे के बिल्कुल करीब पुलिस किसी तरह से कार सेवकों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। उन्हें पकड़ पकड़ कर बसों में बिठाया जा रहा था। हजारों कार सेवक सैलाब की तरह विवादित ढांचे की ओर बढ़ने लगे। मुख्यमंत्री मुलायम सिंह का सख्त निर्देश था कि ढांचे को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। कार सेवकों को काबू में करने के लिए पहले पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, फिर फायरिंग की। तमाम रोक टोक के बावजूद भारी भीड़ वहां पहुंची थी और 30 अक्टूबर को कुछ लोग उस भीड़ के उसमें चढ़ गए थे, ऊपर मस्जिद के ऊपर झंडा फहराया था, तो एक तो गोली वहाँ चली और जिसमें उसको जो ऊपर था एक बंदा वो नीचे गिर गया। मेरे ख्याल से डेथ भी हुई थी उसकी। मुलायम सिंह यादव के पास एक बड़ा मौका था यह साबित करने के लिए कि अगर हिंदू उग्र होते हैं तो मुस्लिमों के संरक्षण के लिए वे तैयार हैं। जिन मुलायम सिंह यादव को बाद में मुल्ला मुलायम सिंह यादव तक कहा जाने लगा, यानी मुल्ला का तखल्लुस मिल गया, वास्तव में अयोध्या में उनकी सरकार की जो दंडात्मक और कठोर कार्रवाई थी ये उसके रिएक्शन में मिली। गोलीकांड के दो दिन बाद ही वीएचपी नेता अशोक सिंघल, उमा भारती और स्वामी वामदेव की अगुवाई में करीब 15,000 कार सेवक अयोध्या के सड़कों पर उतरे। विवादित ढांचे की पहले से ही तगड़ी बैरिकेडिंग की गई थी। कहा जाता है कि पुलिस ने बगैर कोई चेतावनी दिए कार सेवकों पर फायरिंग शुरू कर दी। कई कार सेवक पुलिस की गोलियों का निशाना बने। तब बजरंग दल के अध्यक्ष विनय कटियार थे। मुलायम सिंह जी ने गोली चलवा दी, ये ठीक काम नहीं किया, इसीलिए वो इस इशू पर बैक में रहेंगे और हमेशा कोसे जाएंगे। हिंदू समाज मुलायम सिंह को इसके लिए कोसेगा। पुलिस की गोलियों से मरे कार सेवकों के चिताओं के राख गांव गांव शहर शहर पहुंचाने का काम शुरू हुआ। सब अयोध्या के नाम पर अपने अपने हिसाब से लहर तैयार करने में लगे थे। अयोध्या में कार सेवकों पर फायरिंग के बाद मुलायम सिंह यादव मुसलमानों के नए रहनुमा के तौर पर उभरे। उस दौर तक श्री राम की अयोध्या राजनीति का नया लॉन्च पैड बन चुकी थी। बीजेपी को राम नाम का चमत्कार यूपी समेत देश के कई राज्यों में साफ साफ दिखा। यूपी की कमान अब बीजेपी के कल्याण सिंह के हाथों में थी। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के कुछ दिनों बाद ही कल्याण सिंह अपने मंत्रियों के साथ अयोध्या पहुंचे और राम मंदिर बनाने की शपथ ली। दूसरी ओर अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर वीएचपी, बजरंग दल और बीजेपी ने मिलकर तैयारी करनी शुरू कर दी, जिससे उत्तर में बर्फ से लदी हिमालय की चोटियों से लेकर दक्षिण में समंदर के किनारों तक, पश्चिम में कच्छ के रण से पूर्व में अरुणाचल की पहाड़ियों तक रहने वाले लोग श्री राम और अयोध्या में दिलचस्पी लेने लगे। मुख्यमंत्री बनते ही कल्याण सिंह ने अयोध्या में मंदिर निर्माण को लेकर अपना इरादा साफ कर दिया।
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में पर्यटन विभाग ने विवादित ढांचे के सामने 2.77 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया। सरकार की दलील थी कि इससे अयोध्या में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। कुछ दिनों बाद अधिग्रहण की गई जमीन राम जन्मभूमि न्यास को सिर्फ 1 रुपए के लीज पर दे दी गई। अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल समेत दूसरे हिंदुत्ववादी संगठनों की गतिविधियां तेज हो गई। इस बीच यूपी सरकार से मिली जमीन समतल करने का काम शुरू हुआ। इतना ही नहीं, आरएसएस की मदद से विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने एक 40 दिन लंबा बजरंग रुद्र महायज्ञ का आयोजन किया। देश के कोने कोने से यज्ञ के लिए अयोध्या पहुंचे कार सेवकों को ठहरने के लिए कार सेवक पुरम बनाया गया। मुस्लिम संगठन पहले से ही कल्याण सिंह सरकार के जमीन अधिग्रहण फैसले का विरोध कर रहे थे। मामला कोर्ट में पहुंचा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवादित जमीन पर पक्के निर्माण पर रोक लगा दी, जिसके बाद राम जन्मभूमि न्यास ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि विवादित ढांचे की सुरक्षा की जिम्मेदारी यूपी सरकार की है। जमीन अधिग्रहण पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को मानने का निर्देश दिया। कल्याण सिंह बिल्कुल नहीं चाहते थे कि मस्जिद को कोई खतरा हो सुरक्षा को, क्योंकि उन्होंने पर्सनली सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया था। दूसरे उसका मतलब था कि अगर मस्जिद टूटती उनके राज में तो उनकी सरकार गिर जाती। और ये भी कहा जाता है कि भाई जो बड़े लीडर थे जैसे आडवाणी और वाजपेयी, इन लोगों ने भी कल्याण सिंह को ये अश्योर किया था, अशोक सिंघल वगैरह ने, कि भी मस्जिद नहीं गिराई जाएगी। अदालत की रोक के बावजूद कार सेवक अयोध्या में चबूतरे के निर्माण के लिए पहुंचे थे। कल्याण सिंह सरकार की ओर से पुलिस को बल प्रयोग नहीं करने के सख्त आदेश दिए गए थे। ऐसे में यूपी पुलिस के जवान चाहकर भी कार सेवकों को नहीं रोक पा रहे थे। तब प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे नरसिम्हा राव की मुश्किल ये थी कि अगर बाबरी ढांचे के सामने अधिग्रहण की गई जमीन पर कार सेवक चबूतरे का निर्माण कर देते तो कोर्ट की अवमानना होती। वहीं कल्याण सिंह दलील दे रहे थे कि अगर चबूतरे का निर्माण कार्य रोका गया तो कार सेवक भड़क जाएंगे। ऐसे में प्रधानमंत्री राव ने साधु संतों से सीधी बातचीत का फैसला किया। साधु संतों का एक प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री से मिलने दिल्ली पहुंचा। बातचीत में सहमति बनी कि साधु संत अयोध्या में 3 महीने तक निर्माण कार्य रोक देंगे। केंद्र की पहल पर राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े नेता और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के सदस्य बातचीत के लिए आमने सामने बैठे। दोनों पक्ष अपने अपनी दलीलों पर अड़े रहे। वक्त तेजी से बीत रहा था लेकिन कोई रास्ता नहीं निकल पा रहा था। दिल्ली 30 अक्टूबर 1992। दिल्ली में धर्म संसद की बैठक हुई। साधु संतों के बीच वीएचपी ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की मांग दोहराई। 6 दिसंबर से कार सेवा दोबारा शुरू करने का ऐलान कर दिया। वो साल 1992 का था और महीना दिसंबर का। अयोध्या में सरयू के घाट पर कार सेवकों का जोश उफान मार रहा था। देश के कोने कोने से कार सेवक, साधु संत, बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता जुटे हुए थे। अयोध्या में या तो खाकी वर्दी में पुलिस के जवान दिखाई दे रहे थे या पीतांबरी ओढ़े राम भक्त। अयोध्या में एक अजीब सी हलचल महसूस की जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन क्या होने वाला है इसका किसी को अंदाजा नहीं था। कार सेवकों के सामने एक ओर 16वीं शताब्दी से खड़ी विवादित इमारत के 3 गुंबद थे, दूसरी ओर मंदिर निर्माण का सपना। अयोध्या में 1 से 1.5 लाख के बीच कार सेवक मौजूद थे। अयोध्या की कई पीढ़ियों ने शायद ही कभी वहां बाहरी लोगों का इतना बड़ा जमावड़ा देखा होगा। इस एपिसोड में आज बस इतना ही। अयोध्या अध्याय के अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि 6 दिसंबर को कैसे ध्वस्त हुआ विवादित ढांचा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। निष्पक्ष खबर, सटीक विश्लेषण और अपने हक से जुड़े मुद्दों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़24। नमस्कार।